हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 25वें अध्याय ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा श्रीमद् भागवत के 25वें अध्याय के ये बहुत ही तीन महत्वपूर्ण श्लोक तीर्थपाद प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाए। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन पुमान तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। यस, द बेसिस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सताम प्रसंगात, जब भक्तों के संग में मम वीर्य, मेरे गुण, मेरे रूप, मेरी लीला, मेरे कार्य, मम वीर्य संविदह बात करना, भवंती हृत कर्ण रसायन, तब भक्तों के संग में मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का कथा कीर्तन श्रवण, ये कैसा लगता है? हृदय और कर्ण दोनों के लिए रसायन लगता है। इट अपीयर्स वेरी प्लीजिंग। तज्जोषणात्, उस जोश में जब जोश पूर्वक कीर्तन करते हैं भक्तों के संग में, आशु वेरी वेरी फास्ट, अपवर्ग वर्तमनी, अ पर्सन और अ लिविंग एंटिटी इज एबल टू ट्रांसेंड द पवर्ग। इस भौतिक जगत को पवर्ग कहा गया है, परिश्रम, फेन, व्यर्थ, भय और मृत्यु। प फ ब भ म, व्यक्ति अपने ऐहिक सफलता के लिए बहुत परिश्रम करता है। कितना परिश्रम करता है, उसके मुंह से फेन आता है, झाग आता है, इतना परिश्रम करता है। जब इतना परिश्रम करने के बाद भी अंतिम रूप में उसे जब सुख नहीं मिलता, ही अंडरस्टैंड्स व्यर्थ, अरे क्यों किया मैंने इतना। देन देयर इज भय, जब आ गया है, आनंद तो नहीं दिया लेकिन आ गया सब कुछ, वो छीनने का भय है। लेकिन जिस चीज का भय है छीनने का, वो अल्टीमेटली छिन ही जाता है मृत्यु के समय। मृत्यु और सर्व हरश्च अहम, मैं मृत्यु हूं, जो एक जीव से उसका सब कुछ छीन लेता हूं। सो अल्टीमेटली परिश्रम, फेन, व्यर्थ, भय और मृत्यु, इन सब में जीव क्या हो जाता है? ही अल्टीमेटली फ्यूटाइल, जीता है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। सो आशु अपवर्ग वर्तमनी, ही ट्रांसेंड्स पवर्ग एंड ही कम्स टू अपवर्ग, दैट इज ट्रांसेंडेंटल लाइफ। तब श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, तब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में उसे श्रद्धा, रुचि, रति और भक्ति अनायास ही प्राप्त होते हैं। द व्हील स्टार्ट्स स्पिनिंग वेयर? द व्हील स्टार्ट्स स्पिनिंग एट सताम प्रसंगा, association of devotees. Then shlok kramang 26, bhaktya puman jita virag aindriyad drutash drushta shrutatma dr chananu chintaya chittasya yatto grahane yoga yukto yadishyate rujubhir yoga margaihi. Is prakar se continuously when one is engaged in devotional service in association of devotee, sattatam kirtayanto maam. Yes, again we come to the same concept of the first two shlokas of the chatushloki bhagavad gita. So jahan par bhagwan humse kya expect kar rahe hain, ye wo batate hain. What is expected of a devotee continuously engaged in devotional service in association of devotees? Yes. सिर्फ समवन फील्स, अगर किसी को लगता है कि ये भक्तों के बीच में ना बहुत गड़बड़ होती है, अनबन होती है, किसी का किसी के साथ जमता है, किसी का हमारे साथ नहीं जमता, किसी व्यक्ति को देखकर ही लगता है भाई ये कैसे भक्त है, और अगर ये भक्त है तो मुझे भक्ति करके क्या मिलेगा ये सब लगता है कि नहीं। भक्तों के संग में व्हेन वी see a devotee on a material platform, yes, so isiliye bhagwan, even chaitanya mahaprabhu batate hain, what is the first and foremost qualification of a devotee? He says
कृष्ण एक शरण. यस, अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर 26 क्वालिटीज इन अ डिवोटी. भक्तों में 26 गुण पाए जाते हैं, उसमें से क्या कहते हैं प्राथमिक गुण और गौण गुण, या प्राथमिक लक्षण और गौण लक्षण. सो एक भक्त का प्राथमिक लक्षण क्या है? ही इज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा. बाकी सब गौण लक्षण है. उसके पिछले जन्मों का लेखा जोखा क्या है, उसका शरीर कैसा है, उसका मन कैसा है, किस प्रकार से वासनाएं हैं, ये सब गौण लक्षण है. ये सब चले जाएंगे धीरे धीरे. यस, इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय में 30वें और 31वें श्लोक में कितना सुंदर बताते हैं, नपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति. अरे अपि चेत सुदुराचार, कोई अगर बहुत दुराचारी है, सुदुराचार दुराचार बुरा व्यवहार, सुदुराचार बहुत ही बुरा व्यवहार. सो वन आचार्य सेज बुरा व्यवहार मीन समवन हु इज कंटिन्यूअसली एडिक्टेड टू लस्ट. कोई काम क्रोध और लोभ के पीछे दिन रात लगा हुआ है, कोई क्रोध से दूसरों को हानि पहुंचाता है, कोई लोभ से पैसे की अफरा तफरी करता है, कोई काम वासना से परस्त्रियां गमन करता है, वो भी अपिचेत सुदुराचार. भजते माम अनन्य भाग. लेकिन अगर कोई मेरी निष्ठापूर्वक भक्ति कर रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सी अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव. अगर कोई बहुत बुरा व्यक्ति भी है लेकिन वो मेरी भक्ति में आया है, तो कृष्ण पहले क्या बोलते हैं? पहले बोलते हैं कि अपि चेत सुदुराचार. अगर कोई पहले से ही बहुत बुरा व्यक्ति है और अगर भक्ति में आया है, सो मेरे पहले के एक्सप्लेनेशन को ये कभी नहीं समझना लेना चाहिए कि अरे मतलब प्रभु जी कह रहे हैं कि हरे कृष्णा करो, सोलह माला करो, चार नियम पालन करो, बाकी जो कुछ करो सब ठीक है, अपिचेत सुदुराचारो. नो, इट इज लाइक, हमने पहले भी कई बार उदाहरण दिया है कि अगर कोई आके कहता है प्रभु जी मैं सिगरेट पीता हूं, क्या मैं भक्ति कर सकता हूं? यस, नो प्रॉब्लम. कोई अगर कहता है प्रभु जी मैं भक्ति कर रहा हूं, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं? नो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोई पहले से ही सिगरेट पी रहा है, सो शुड आई कम टू डिवोशनल सर्विस? नो प्रॉब्लम. आई एम ऑलरेडी डूइंग 8 rounds, कैन आई स्मोक? नो. सो अपि चेत सुदुराचारो कम्स फर्स्ट. अगर कोई पहले से ही सुदुराचार है लेकिन बाद में वो भजते माम समन्य भाग अनन्य भाग के स्तर पर आता है. If somebody is already on bhajate maam ananya bhag, then he cannot again become sudurachara. That is not allowed. Yes, that is not allowed. It is exactly like, अरे कोई चोरी कर रहा है तो मैं पुलिस हूं, मैं उसका पकड़ रहा हूं. मैं पुलिस हूं, क्या मैं खुद चोरी कर सकता हूं? नहीं. Are you getting? So understanding this in right perspective and context, भगवान हमें गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें हमें सही परिवेश में जब तक कोई समझाए नहीं, इट इज बाउंड टू बी मिसअंडरस्टूड. सो भगवान बताते हैं भक्त्या मांजित भक्त्या. सो दस कंटिन्यूअसली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज अ पर्सन गेन्स डिस्टेस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति वो क्या हो जाता है? Distasteful हो जाता है, उसमें कोई ये नहीं लगता उसे. Both in this world and in the next, by constantly thinking about the activities of the Lord, this process of Krishna consciousness is the easiest process. When will sense gratification become distasteful? तो भगवान actually यहाँ पे formula दे रहे हैं. Continuously engaged in devotional service, in association of devotees. Yes. Constantly thinking about the activities of the Lord. ये तीन करेंगे
तभी इंद्रिय भोग और मनोभोग की इच्छाएं धीरे 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 सब ड्यू होंगी. यस, सो कंटिन्यूअसली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस. इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, मन से भगवान के बारे में सोचना है और भक्तों के साथ में रह करके ये करना है. ये जब करते रहेंगे तब धीरे 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 भौतिक प्रकृति का जो प्रभाव है एक भौतिक जीव की चेतना पर वो कम होता जाएगा. यस, जब भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम होता जाएगा देन व्हाट हैपेंस. टेक्स्ट 27, असेवयायम प्रकृतेर गुणानां ज्ञानेर वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यार्पिता च भक्त्या माम प्रत्यगात्मनम इवाह रुंधे. ऐसी परिस्थिति में असेवयायम प्रकृतेर गुणानां, प्रकृति के गुण हमें पाप और पुण्य की श्रृंखलाओं में बांध रहे हैं. जब व्यक्ति भगवान के कांस्टेंट भक्तों के संग में रहता है, भगवान की कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस करता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, इंद्रिय भोग की और मनोभोग की प्रवृत्तियों से विरक्त होता है, तो वो प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं रहता. सो असेवयायम प्रकृतेर गुणानां. क्यों वो प्रकृति के गुणों से ऊपर आ गया? ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन. इट इज ज्ञान एंड कॉन्कॉमिटेंट वैराग्य विच हैज हेल्प्ड हिम टू ट्रांसेंड पवर्ग एंड कम टू अपवर्ग. यस, दिस इज हाउ वी सी इट्स अ फ्लो. यस, 25, 26 and 27 इज अ फ्लो. सो ज्ञान और वैराग्य कहां से आया? ज्ञान आया 25, वैराग्य आया 26. यस, सो ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन. सो ऐसे परिस्थिति में वो भक्ति पूर्वक मेरे पास आने का प्रयास करता है. यस, ही ट्राइज टू कम क्लोज टू मी इन द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. भक्ति के मार्ग पर वो मेरे पास आने का प्रयास करता है. सो देवाहुति आगे प्रश्न पूछती हैं, जहां पर हम आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे. श्लोक क्रमांक 28. देवाहुतिर उवाच कच्चित् वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणं अञ्जसान्वाश्नवाहम्. ऑन हियरिंग द स्टेटमेंट ऑफ द लॉर्ड देवाहुति इंक्वायर्ड व्हाट काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस इज वर्थ डेवलपिंग and practicing to help me easily and immediately attain the service of your lotus feet. तो आपने भक्ति के बारे में बताया, तो किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए? Yes. So यहां हम देखते हैं देवाहुति प्रश्न करती है और उस प्रश्नों के कारण भागवत की श्रृंखला आगे बढ़ती है. This is always the case. अगर हम श्रीमद् भगवत गीता भी देखेंगे तो दूसरे अध्याय में भगवत गीता समाप्त हो गई थी. सांख्य योग एंड ऑफ भगवत गीता. एक्चुअली तीसरा अध्याय स्टार्ट्स विद अर्जुन उवाच. यस, अर्जुन पूछते हैं, ही हैज अ डाउट एंड बिकॉज दैट डाउट इज देयर देन कॉन्सिक्वेंटली जो भी उन दोनों के बीच में संवाद होता है भगवत गीता आगे बढ़ती है. नहीं तो भगवान ने कर्म और ज्ञान दोनों योग दूसरे अध्याय में ही बता दिए. यस, दूसरे अध्याय में हम कौन है? आत्मा. आत्मा के लक्षण क्या है? उसके बाद एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है और कर्म किस प्रकार से, कर्मण्येवाधिकार स्थिमा, कर्मों की श्रृंखला, ये चार तत्व भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में. सो दिस इज ऑल इन ऑल ऑफ व्हाट कृष्णा हैज टू टेल. यस, वे ब्रह्म गति के बारे में भी बताते हैं. सो कृष्णा टेल्स अ लॉट इन सेकंड चैप्टर. फ्रॉम हिज साइड एवरीथिंग इज फिनिश्ड. तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से. उसी प्रकार कपिल मुनि को जो बताना था उन्होंने बता दिया. देवाहुति का प्रश्न है एंड दैट इज हाउ भागवत गोज अहेड. वो क्या पूछ रही है? आपने कहा भक्ति, लेकिन कैसे भक्ति करें ये कृपया हमें बताइए.
श्लोक क्रमांक 29, यो योगो भगवत बाणो निर्वाणाम त्वं स्तवो दितः कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। द मिस्टिक योगा सिस्टम एज यू हैव एक्सप्लेन्ड एम्स एट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड इज मेंट फॉर कंप्लीटली एंडिंग मटेरियल एग्जिस्टेंस। प्लीज लेट मी नो द नेचर ऑफ दैट योगा सिस्टम। हाउ मेनी वेज आर देयर बाय व्हिच वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रुथ इन दैट सब्लाइम योगा। तो आप जिस प्रकार से मुझे योग पद्धतियों का विवेचन कर रहे थे, इस योग पद्धति का अंत क्या है, इस योग पद्धति का जो सार है वो भौतिक अस्तित्व को समूल नष्ट करना है। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। भौतिक प्रकृति ये हमें किसी न किसी तरह से गड़बड़ी में डालती ही रहेगी। एज लॉन्ग एज वन ट्राइंग इज बेस्ट टू समहाउ बैलेंस, यस, अगर भक्ति में आके वी शुड हैव आवर एक्सपेक्टेशंस क्लियर। अरे भाई, आप डॉक्टरी के लिए आगे जा रहे हो MBBS, यू शुड नो आपको आगे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। रात को 12 बजे 11 बजे भी कोई फोन आ सकता है, ये सब होगा ही होगा। आप अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए रेती धूल मिट्टी यही सब आपके साथ रहेगा। आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए भाई जिंदगी भर AC में ही बैठना पड़ेगा, खुली धूप नसीब नहीं होने वाली है, 12-15 घंटे सेडेंटरी जॉब है, आगे जाके बैकबोन का तकलीफ होने वाला है। सो व्हेन यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट देन थिंग्स बिकम इजी। यस, आप जानते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर आप जानते ही नहीं आगे क्या होने वाला है, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट अहेड, और कोई स्पेसिफिक परिस्थिति आगे आती है, इट विल बी अ बैफलिंग सिचुएशन। सो देवाउदी इज मेकिंग इट क्लियर, ये योग पद्धति किसके लिए है। ये योग पद्धति भौतिक अस्तित्व को समूल नष्ट करने के लिए है। यस, सो इफ वन इज कमिंग टू डिवोशनल सर्विस विद द एम ऑफ इंप्रूविंग वन्स मटेरियल एग्जिस्टेंस, यस, अगर कोई सोच रहा है कि भगवान की भक्ति क्यों करे, सेवा क्यों करे, भाई भगवान को महीने में 2,000 रुपए दे दिया, अपना काम चलता रहता, कोई टेंशन नहीं है, यस, ये नहीं होगा। द योग पद्धति इज एम्ड फॉर समूल नष्टीकरण ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। सो अगर हम भक्ति में आकर के इस नाव पर भी एक पैर रखेंगे, इस नाव पर भी एक पैर रखेंगे, वो ऐसा होगा जैसे गाड़ी पर चल रहे हैं, हम रोड पर जा रहे हैं, एक पैर एक बाइक के ऊपर है, एक पैर एक बाइक के ऊपर है, दोनों बाइक सीधे जा रही है, एक भौतिक प्रकृति की बाइक है, एक आध्यात्मिक प्रगति की बाइक है, तो उस पर जा रहे हैं। अब धीरे धीरे समूल नष्ट होना है, मतलब ये दोनों फैलेंगे, दूर दूर जाएंगे, ये दोनों दूर दूर जाएंगे तो हमको स्प्लिट करना होगा पैरों को, तो जब पैर स्प्लिट होंगे दर्द तो होगा ही। और हम चिल्ला रहे हैं, अरे भाई बस करो, बहुत दर्द हो रहा है। यस, व्हाई? एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट। सो व्हेन वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, देन थिंग्स बिकम इजी। So please let me know the nature of that yoga system. How many ways are there by which one can understand truth in that sublime yoga? So we see Devahuti prashna pooch rahi hai. Ye prashna poochna arthat Devahuti ya koi bhi shishya apne aap apne dimag ko dauda raha hai cheezon ko samajhne ke liye. Yes. So one wants to understand and apply in one's life. That is when one asks questions. Otherwise, where is the question of asking any questions? So jab prashna puche jayenge, iska matlab doubt hai. Aur doubt jab clarify hoga, so doubt shows independent thinking. Main kuch soch raha hu.
सो देवाहुति प्रश्न पूछती है कपिल मुनि को, दैट शोज दैट शी इज इंडिपेंडेंटली थिंकिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि एक शिष्य यानी ऐसा नहीं है कि वो गुरु का जेरोक्स कॉपी होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता. यस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज ऑलवेज एनकरेज्ड एंड इट इज वेरी गुड. अगर हम देखेंगे इवन इन आर पर गुरु शिष्य परंपरा, यस, भक्ति विनोद ठाकुर इतने महान आचार्य, बट हिज वे ऑफ प्रीचिंग वॉज प्लीज टेक द होली नेम्स, प्लीज टेक द होली नेम्स सबके सामने. उनके बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्षमा कीजिए, लायन गुरु, यस, मायावादियों को वो ऐसे पकड़ के धोते थे कि उनके सामने अगर कोई मायावादी आ रहा है तो अपना रास्ता चेंज करके गली अलग करके चला जाता था. वो इतने मायावादी डरते थे उनसे, वो तो सिंह गुरु. उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो प्रचारी नहीं किए, भजनानंदी पब्लिक टॉयलेट में बैठ के वो हरे कृष्णा करते थे. क्यों? पब्लिक टॉयलेट में दुर्गंध आती है, वहां पे कोई खाली पीली भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति आशीर्वाद दो करके आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आएगा, इसीलिए वो पब्लिक टॉयलेट में बैठकर जप किया करते थे. कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्शियसनेस. भक्ति विनोद ठाकुर द वे ही प्रीच्ड, भक्ति सिद्धांत सरस्वती द वे ही प्रीच्ड, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज डिड नॉट प्रीच. यस, नोबडी इज अ फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर. लेकिन ये तीनों आचार्य हैं. प्रभुपाद, यस, 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, वहां से यहां पे आए. यस, कितना जबरदस्त उन्होंने प्रचार किया. If you see the acharyas today, the disciples of Srila Prabhupada, so कुछ हैं जो प्रभुपाद जी के जैसे हैं प्रचार के मामले में, कुछ हैं जो their personal traits are different from Prabhupada. Does that mean that they are less of disciples? No. Does that mean that they are less of devotees? No. So this is very important to understand. कि भक्ति में शिष्य को गुरु की कार्बन कॉपी होने की जरूरत नहीं है. और देवाहुति के ये प्रश्न जो है ये यही दर्शाते हैं. कृपया मुझे और बताइए इसका ये क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, इसका आगे क्या हो सकता है. यस, सो वन इज बीइंग इंडिपेंडेंटली थॉटफुल विच इज वेरी वेरी गुड. वन शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, वन शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट. यस, श्लोक क्रमांक 30. तदेदन्मे विजानीहि यथाहं मंदधीर हरे सुकं बुद्धेय दुर्बोधं योषा भव अनुग्रहात. माय डियर सन कपिला, आफ्टर ऑल आई एम अ वुमन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रुथ बिकॉज माय इंटेलिजेंस इज नॉट वेरी ग्रेट. बट इफ यू काइंडली एक्सप्लेन टू मी, इवन दो आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड देयर बाय फील ट्रांसेंडेंटल happiness. तो कुंती माँ देवाहुति कह रही हैं कि मैं एक स्त्री हूं. देखिए, by default एक पुरुष जो है logical व्यक्ति है, स्त्री जो है वो emotional व्यक्ति है. स्त्री का पूरा अस्तित्व जो है वो एक बहुत ही घनिष्ठ ऊर्जा से बंधा हुआ होता है, वो है उसके emotions. इसलिए आप देखिए स्त्रियां जल्दी किसी चीज को भूलती नहीं है. क्यों? क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस को अपने जीवन में वो एक इमोशन के साथ ग्लू टैग कर देती है. तो जब भी जीवन का कोई एक्सपीरियंस किसी इमोशन के साथ में टैग हो जाएगा वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा. पुरुष ऐसे नहीं है, वो भावना प्रधान नहीं. यार ठीक है, हो गया हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया, चलो भाई आगे बढ़ाओ गाड़ी. Yes. So, of course, a स्त्री is very great. वो emotion है, इसीलिए स्त्री पूरे परिवार को एक साथ रख सकती है. Yes. अगर स्त्री नहीं रहेगी तो परिवार एक साथ ही नहीं रहेगा. इसीलिए हम देखते हैं मुनिकण. मुनि कौन है?
जिसका मत एक दूसरे के मत से भिन्न है वही मुनि है। अगर दो लोग साथ में बैठे हैं, दोनों मुनि है, दोनों का एक ही मत है, तो दोनों में से कोई तो एक मुनि नहीं है, क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट कोई अलग मत है ही नहीं। तो पुरुष जब एक साथ आएंगे, हर कोई इंडिपेंडेंट मत वाला रहेगा, कैसे तो वो साथ में जिएंगे। स्त्रियां क्योंकि घर में स्त्री है, इसीलिए उस स्त्री के स्वभाव के कारण घर शांत और एक कैसे तो एक मत वाला रहता है। इन ब्रह्मचारी आश्रम की परिस्थिति क्या है? अरे